प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, देश ने अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में अपने सामर्थ्य का किया है विस्तार। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 79.12% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का उपयोग। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रयास किए और तेज। मेडिकल कॉलेजों में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए दी गई अतिरिक्त धनराशि। साहित्य का कुंभ माने जाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कल हुआ समापन। अंतिम सत्र में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की वार्ता रही सुर्खियों में। और प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी। फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन पारा 0 से नीचे। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं मीनाक्षी भौन, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली छावनी स्थित करियप्पा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में अपने सामर्थ्य का विस्तार किया है। सेना द्वारा सीमा पार की गई सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी होने पर और भी कड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कार्यक्रम में आज शिरकत की है। दिल्ली कैंट स्थित परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री की आगवानी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में एयर चीफ मार्शल वीएस धनोआ और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय कैडेट कोर के 10 दिने सलामी भी दी। इस परेड में 17 निदेशालयों के कैडेट शामिल हुए और इनमें से 11 अलग अलग देशों के कैडेट ने भी शिरकत की। इस परेड में एनसीसी के तीनों विंग ने हिस्सा लिया। एनसीसी का गणतंत्र दिवस परेड कैंप इसे समापन समारोह के तौर पर मानता रहा है। 26 जनवरी के बाद दिल्ली कैंट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस परेड में देश भर से चुने हुए कैडेट्स शामिल होते हैं। एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने केरल से आए भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य के दौरान एनसीसी कैडेट्स का योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत शांति का प्रबल समर्थक है, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से चूकेगा नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता मौजूद है। दुश्मन से निपटने का हमारा सामर्थ्य, हर स्तर पर हमारी क्षमताओं का विस्तार हुआ है। हमारी सेना ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। हम शांति के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में हम चूकेंगे नहीं। नारी शक्ति का दम बीते 4.5 वर्षों में राजपथ पर भी देखा है। पिछली बार महिला स्वर्ण दस्ता राजपथ पर उतरा था, तो इस साल देश के इतिहास में पहली बार महिला जवानों की पूरी टुकड़ी परेड में शामिल हुई है। देश ने यह भी पहली बार देखा कि पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व एक बेटी ने किया है। बेटियां समाज के हर क्षेत्र में लीड करें, इसके लिए बेहतर माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बीते 4.5 वर्ष की पूरी तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको आश्वासन मिलेगा कि अब नारी सशक्तिकरण
बेटियों की उपयुक्त भागीदारी पर चर्चा नहीं, एक्शन हो रहा है। अवसरों की समानता के रास्ते में भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी बाधा है। घुसखोरी, भाई भतीजावाद, अपना पराया, हमारी व्यवस्था में इनके लिए कोई स्थान होना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार नए भारत का संस्कार हो ही नहीं सकता। मेरा और मेरी सरकार की सोच और एक्शन दोनों इस बात के साक्षी हैं कि भ्रष्ट आचरण करने वाला कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कोई भी नहीं बचेगा। बसपा प्रत्याशी की मृत्यु के बाद स्थगित हुए अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। वहां 79.12% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसी के साथ चुनाव लड़ रहे 20 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतगणना 31 जनवरी को होगी। मेरे कुल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 278 मतदान केंद्र है और सुबह 8 बजे मतदान प्रारंभ हो गया था। प्रथम घंटे में 7% वोट पड़े थे और फिर मतदान ने गति पकड़ी थी। 11 बजे तक हमारे 29% लोगों ने मतदान कर दिया था और अंततः जो समग्र मतदान प्रतिशत रहा है वो 79% रहा है। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण निष्पक्ष रहा है। ईवीएम मशीनें जो प्रातःकाल मॉक पोल के समय खराब होती है उनको उसी समय हमने ठीक कर दिया था और जहाँ कहीं रिप्लेसमेंट की जरूरत थी कर दिया था। कुल मिला के 10 जो है ईवीएम और वीवीपैट रिप्लेस हुई है, जो कि बहुत कम है और किसी भी तरह से कोई विशेष गंभीर शिकायत किसी भी बूथ से नहीं आई है। समग्र रूप से मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। कानून व्यवस्था के लिए हमारे 36 मजिस्ट्रेट लगे हुए थे। पुलिस मोबाइल पार्टी भी लगातार गश्त में थी। 2000 के लगभग पुलिस जाब्ता लगा हुआ था। इन सब ने संयुक्त प्रयास करके मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न करवाया है। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कलेक्टर परिसर के उपखंड अधिकारी कार्यालय में ईवीएम जागरूकता के स्थायी केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र के माध्यम से आम नागरिकों तथा कार्मिकों को ईवीएम वीवीपैट को इस्तेमाल करने की कार्यप्रणाली से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों के तहत यह कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश में बढ़ते स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। नए बने 5 मेडिकल कॉलेजों में भी अब स्वाइन फ्लू की जांच के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आला अधिकारियों से बैठक कर रोकथाम के प्रयासों की मॉनिटरिंग की। उन्होंने इस रोग के प्रभावी उपचार के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीकानेर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में 100 बेड की सुविधा होगी। इस अवसर पर मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि इस अस्पताल के बनने से यहां के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। अस्पताल में बीमित व्यक्तियों को आपातकालीन ओपीडी, लेबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर एवं मातृत्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। हिसाब से जिस यूनिट में 20 से कम लोग काम करते हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता है, पर हम इस ओर चिंता कर रहे हैं कि वास्तव में कैसे सबको इस दायरे में जोड़ने का काम किया जाए, क्योंकि हमारे दायरे में 20 से ज़्यादा संख्या वाले लोग आते हैं जो देश में 6 करोड़ के आसपास हैं। सर, 40 करोड़ वे लोग हैं जो इसके अलग हैं, उनको भी कैसे जोड़ा जाए, उनको सुविधा कैसे मिले, इसकी चिंता कर रहे हैं और इसके बारे में एक रणनीति बनाने का काम किया है। किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगार युवाओं को भत्ता और गरीब सवर्णों को राज्य में 10% आरक्षण की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे।
राजधानी जयपुर में भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सर्किल से एक रैली के रूप में पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ, अरुण चतुर्वेदी, सांसद रामचरण बोहरा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्ञापन और प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रही है। बहुत आश्चर्य की बात है कि सरकार ने जिस समय घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने अपना जारी किया उसमें 10 दिन में किसानों के कर्ज माफी की उन्होंने घोषणा की, 10 दिन में आज 1.25 महीने से भी ज़्यादा हो गया। तो ये जो एक तरह से उन्होंने छलावा किया किसान के साथ, किसान इससे बहुत दुखी है। इधर विरोध प्रदर्शन की कड़ी में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने भी उदयपुर में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। अपन भी हमारा विधानसभा में जो कुछ हमने किसानों के कर्जा माफी के लिए 10% आरक्षण के लिए और बच्चों को 3500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने के 3 विषयों पर सरकार से सवाल जवाब किया। उन्होंने कहा हमने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जो है ना कुछ राज्यों में जाएगी, पता करेगी। दूसरा ये 10% का आरक्षण केंद्र ने राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से देकर के 124वां संविधान संशोधन कर दिया और उसके तहत शिक्षा में भी और रोजगार में भी केंद्र सरकार की जितनी संस्थाएँ हैं उनमें तो आरक्षण मिल गया। अब राज्यों में आरक्षण तब मिलेगा जब राज्य सरकार उसको इंडोर्स करेगी। कुछ राज्यों ने कर दिया, हमारा भी आग्रह था कि राजस्थान भी जितना जल्दी करे, आने वाले सत्र में हमारे बच्चों को एडमिशन में भी और नौकरी में प्रायोरिटी मिले। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसी मुद्दे पर राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सांभर उपखंड कार्यालय में SDM को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों और नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास किया है। मजबूती देते हैं पूरे भारत को, मेहनत करते हैं दिन रात, उनके लिए पूरा नक्शा तैयार करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि किस तरह से उनकी आय दुगनी होगी 2022 तक, उसके अंदर योजना के अंदर बीज से लेकर बाजार तक के पूरा प्रबंध करा जा रहा है और साथ साथ लेबोरेटरी को किसान की ज़मीन तक लेकर आया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को वहाँ तक लेकर आया जा रहा है, दो फसलों के बीच में किस तरह से आमदनी करी जा सकती है उसके उपाय करे जा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस भड़काने के लिए, गुमराह करने के लिए, घोषणाएं करने के लिए और घोषणाओं को फिर पूरा नहीं करने के लिए उनकी बहुत पुरानी आदत है। 1970 का जो गरीबी हटाओ नारा, वो आज तक कहाँ गरीबी हटाई? और सीधी सीधी बात करें, जहाँ अमेठी है, जहाँ के वो खुद सांसद हैं, इतनी ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि सभी नागरिक, आप जो भी इसको देख रहे हैं, आप सब अमेठी जाइए, एक बार घूम कर आइए, फिर देखिए कि अमेठी के अंदर कितनी गरीबी है। ये गरीबी को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि इनकी सत्ता बनी रहे और हम उसको दूर करना चाहते हैं। अभी ऋण माफ़ी जो ये इन्होंने ऐलान करी, 1, 2, 3, 10 दिन के अंदर ऋण माफ़ी हो जाएगी, आज 1 महीना हो गया, कोई योजना नहीं बनी। कौन सी श्रेणी के जो किसान हैं उनके ऋण माफ़ होगा, किस तरह, किस प्रकार से ऋण माफ़ होगा? केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने चौमू में एक निजी कॉलेज के समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और युवा अगर कोई लक्ष्य ठान ले तो उसे हासिल कर सकते हैं। कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए युवा पीढ़ी को जात पात से ऊपर उठकर विचार करना होगा। ये भारत के नौजवानों में बहुत शक्ति है। जब 60% भारत 35 साल की उम्र से कम है, इसी को अगर आप एक देश बनाएं तो विश्व के देशों में नंबर 10वें स्थान तक आ जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है और इनमें ऊर्जा बहुत है और कुछ नई चीज करना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि एक नए भारत का निर्माण, जिसे पुरानी कुरकुरुतियाँ ना हो, जिसके अंदर हम एक ऐसा भारत का निर्माण करें जहाँ हर परिवार तक मजबूती पहुँचे, जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो, जहाँ जातिवाद नहीं हो, जहाँ आतंकवाद खत्म कर दें। जोधपुर में कृषि विज्ञान केंद्र काजरी और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रदर्शनी और किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने काजरी में पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का शिलान्यास किया।
इसके अंतर्गत अपशिष्ट जल को कम लागत में पर्यावरण अनुकूल तरीके से शुद्धिकरण करने का प्लांट लगाया जाएगा। इस मेले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। भूखे देकर उनका सभी किसान महिला, मैं आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं, बहुत सारा अभिनंदन करता हूं, और मैं आपका इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने इस तकनीकी संस्थान के साथ में जुड़ाव अपना स्थापित किया है, और ये तकनीकी है जिसकी बदौलत, जिसके कारण से आज हमारा देश भोजन और खाद्यान्न के क्षेत्र में पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल, एक आदर्श बन के उभरा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आमजन की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बांसवाड़ा में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री का बांसवाड़ा जिले में विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के फायदों पर चर्चा की। उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम राजमार्ग के अधूरे पड़े काम को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में भारतमाला परियोजना में बनने वाली 534 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा संतोष गंगवार सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर गडकरी ने बीकानेर को 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग देने की घोषणा की। ...2014 के पहले राजस्थान में एनएच की लंबाई जो थी वो 7498 किलोमीटर थी, जो पिछले 70 साल में थी, पर हमारी सरकार आने के बाद 4 साल के अंदर हमने उसको 14465 किलोमीटर यानी लगभग दुगनी कर दी। मैंने ये कहा था कि हम 2,00,000 करोड़ रुपए के काम राजस्थान में करेंगे। आज 1,00,000 करोड़ के कार्य प्रगति पर है। भारतमाला परियोजना में 12,000 करोड़ रुपए के कामों का हम खर्चा करने वाले हैं और 2,000 किलोमीटर नई सड़क बनाने वाले हैं। आज बीकानेर की जनता भी आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए खड़ी है कि आपने रोड के माध्यम से बीकानेर को इतनी बड़ी सौगातें दी है। ये छोटा काम नहीं है जो बीकानेर फलोदी, जो 4 लेन बना है सांकला फाटा तक और सांकला फाटा से फलोदी तक 2 लेन बना है, इससे यातायात तो सुगम होगा ही। दुनिया भर के साहित्य क्षेत्र में नाम कमा चुके जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कल समापन हो गया। अंतिम सत्र में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की वार्ता सुर्खियों में रही। इससे पहले कल के सत्र में हरदीप सिंह पुरी की किताब डिल्यूजन पॉलिटिक्स का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन होने की संभावना है। लिटरेचर फेस्टिवल के एक अन्य सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रदेश में पर्यटन को वापस पुराने दौर में ले जाना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा पर्यटन विभाग के लोगों को बदलने की आलोचना की। So if you think you can grow without penetrating that market, you're under some delusion. I agree with him. China is about an $11 trillion economy. We are hoping to be a $10 trillion economy by the time we reach 2030. But by that time, the United States would have grown. But the important thing today is that the United States seems to be in retreat from its international obligation. I mean, it has withdrawn from the climate this thing. It almost stalled the dispute settlement, the higher dispute settlement body in the WTO. It is taking other steps which show that it is retreating from the multilateral system. And we immediately reversed it to Padharo Mare Desh. Now Padharo Mare Desh is part of our culture
It's part of our bloodstream. It doesn't go away. We have to add to it. You cannot live off just that one forever. And that's just one example. So I'm saying, where you come, Hardeep, where you talked about Swachh Bharat, where you are looking after Pradhan Mantri Awas, I mean, we cannot go back to Indira Gandhi Awas scheme or whatever it was called because of the kind of problems that were embedded within it. This government has taken care to remove those problems, to try and take it again, as I said, to another level. समानांतर साहित्य पर जयपुर में आयोजित हो रहे काव्य आयोजन का दूसरे दिन कल रविंद्र मंच पर भारतीय अंग्रेजी काव्य पाठ का आयोजन किया गया। इसमें देश के सुप्रसिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। कार्यक्रम में डॉ. परीक्षित सिंह के अंग्रेजी कविता संग्रह का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर देश प्रदेश के नामी साहित्यकार और थिएटर कलाकार मौजूद रहे। राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ ने जो साहित्य उत्सव समानांतर साहित्य उत्सव की जो पहल शुरू की है, कई महत्वपूर्ण सत्र होने वाले हैं। खासतौर पर निषाद कामिल आ रहे हैं जो कि बॉलीवुड के शीर्ष गीतकार माने जाते हैं इस समय, और रॉक स्टार से लेकर कई फिल्मों में लिखा है, जो अदबी कवि भी हैं। उनकी एक किताब आई है काली औरत का ख्वाब, उस पर चर्चा होगी और भी कई महत्वपूर्ण सत्र होंगे। सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की ओर से जयपुर के तकनीकी शिक्षा भवन में प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया जिसमें देशभर के युवाओं ने भाग लिया। सीजी के निदेशक संदीप कुमार और उप निदेशक रूगाराम ने बताया कि जापानी कंपनी ने 100 डिप्लोमाधारी लड़कियों व करीब 300 आईटीआई लड़कों के लिए प्लेसमेंट का आयोजन किया। ये इसमें अभी हम सेंटर प्लेसमेंट सेल आयोजित कर रहे हैं जिसमें सीजी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्लेसमेंट दे रही है। इसमें अराउंड 300 बॉयज़ के लिए है और 100 सीट्स फॉर गर्ल्स के लिए है, जिसमें से 11 गर्ल्स थी जो उनका सबका प्लेसमेंट हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बच्चों का जितना भी हो सके प्लेसमेंट करना सबसे ज़्यादा, तो जिसके लिए हम माननीय मंत्री महोदय के आदेश के अनुसार ये काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का भी यही प्रायोरिटी है कि बेरोजगारी दूर हो, तो सेंटर प्लेसमेंट सेल का आयोजन इसलिए किया जा रहा है। बेसिकली ये इसराइल की कंपनी है और योकोहामा ने टेक ओवर कर लिया, और यहाँ पर प्लेसमेंट सुबह 10 बजे से ही चल रहे हैं गर्ल्स डिप्लोमा का और आईटीआई बॉयज़ का। ये दहेज गुजरात प्लांट के लिए उस लोकेशन के लिए कर रहे हैं और एक दो दिन के अंदर रिजल्ट हम ऑनलाइन भी कर देंगे। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के 17वें केंद्र का 30 जनवरी को कोटपुतली में केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्घाटन करेंगे। निदेशक डाक सेवा एनआर मीना ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। डाक विभाग हमेशा से सेवा का विभाग रहा है और सदियों से हम लोगों की सेवा करते हुए आ रहे हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल वर्क डाक का था वो काम तो करते ही हैं। इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर यानी राजस्थान के अंदर भी 600 मतलब ऐसे केंद्र है जहाँ पे लोगों का हम आधार कार्ड बनाते हैं, और यानी कि ग्रास रूट तक भी हम आधार कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ शायद आपने सुना होगा कि अभी 30 तारीख को हम जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट जो केंद्र है कोटपुतली के अंदर खोलने जा रहे हैं। इसके बाद में हम भरतपुर में 6 तारीख को खोलेंगे, ये सेवा केंद्र खोलेंगे, जिससे कि लोगों को जयपुर पासपोर्ट के लिए नहीं आना पड़े, घर बैठे उनको पासपोर्ट की सुविधाएँ मिले। अभी तक हमने राजस्थान में 16 ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर पहले से ही पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला हुआ है। भारत ने न्यूजीलैंड से तीसरा वनडे और सीरीज जीत ली है। इसी के साथ 5 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। कल मानागुनाई में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवरों में 243 रन बनाए। जवाब में रोहित शर्मा के शानदार 62 रनों और कप्तान विराट कोहली के 60 रनों की बदौलत भारत ने महज 3 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। Ross Taylor and Tim Lytton then stitched a 119 run stand for that fourth wicket to help rebuild the Kiwi innings. हिमालय क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के चलते राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शेखावाटी क्षेत्र में पड़ रही हाड़ कपाने वाली सर्दी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
सीकर के फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन पारा जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। वहां आज सवेरे न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में भी न्यूनतम तापमान 0 से 1.1 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। वहीं उदयपुर में 2.8, कोटा में 5, राजधानी जयपुर में 5.2 और जोधपुर में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। माउंट आबू में एक बार फिर 0 के पास तापमान पहुंच गया है। और आइए अब नजर डालते हैं जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियों पर। जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने स्वाइन फ्लू से 28 दिनों में 75 मौतें होने, प्रदेश में अधिकतर शहरों के तापमान 5 डिग्री से कम रहने और भारत द्वारा न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीतने जैसी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े, 28 दिन में ले ली 75 जाने शीर्षक से दैनिक भास्कर ने स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप को प्रमुखता से पहले पन्ने पर छापा है। पत्र लिखता है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव जयपुर में मिले, चिकित्सा मंत्री ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी स्क्रीनिंग के आदेश दिए हैं। फतेहपुर में सर्दी ने तोड़ा 16 साल का रिकॉर्ड, पारा -3.4 डिग्री शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने पहले पन्ने पर खबर छापी है। पत्र लिखता है कि राज्य के 6 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा, जबकि जोबनेर, माउंट आबू व चूरू में 0 के आसपास रहा। डेली न्यूज लिखता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश भाजपा में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश अनुसार 15 जिलाध्यक्षों को हटाकर नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान पंजाब केसरी ने नारकोटिक्स विभाग के आयुक्त सही राम मीणा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 2 दिन के रिमांड पर लिए जाने की खबर देते हुए लिखा है कि एसीबी की टीम उनके ऑफिस में दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है। वे लॉकर खोलने पर 24 लाख का सोना और बरामद किया गया। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की तर्ज पर बने सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे विद्यार्थी, शीर्षक से राष्ट्रदूत ने खबर दी है कि अलवर भिवाड़ी हाईवे मार्ग पर गांव भिंडूसी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरों को विवेक वर्धनी एक्सप्रेस ट्रेन कोच का रूप दिया गया है। स्कूल के कमरों को विभिन्न कोचों के नाम भी दिए गए हैं। बीकानेर को मिलेंगे 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग, शीर्षक से दैनिक नवज्योति लिखता है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति हमारी प्राथमिकता है। समाचार जगत ने भारत की विजयी हैट्रिक की खबर देते हुए लिखा है कि भारत ने 10 साल बाद न्यूजीलैंड में वनडे श्रृंखला अपने नाम की। पत्र आगे लिखता है कि पिछले 1 साल में विदेशी सरजमी पर दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत की यह तीसरी जीत है। डीएनए ने शहर के डिग्गी पैलेस में चल रहे जयपुर साहित्य उत्सव 2019 का कल समापन होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। पत्र लिखता है कि अगले साल फिर मिलने का वादा लेकर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने विदा ली। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान में 79% मतदान होने की खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता दी है। ये थी जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियां। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर के समापन समारोह को किया संबोधित, कहा देश ने अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में अपने सामर्थ्य का किया है विस्तार। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, 79.12% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का उपयोग। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रयास किए और तेज, मेडिकल कॉलेजों में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए दी गई अतिरिक्त धनराशि। साहित्य का कुंभ माने जाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कल हुआ समापन,
अंतिम सत्र में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की वार्ता रही सुर्खियों में। और प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी, फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन पारा शून्य से नीचे। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।